नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं वसई विरार क्षेत्र के नालासोपारा पश्चिम क्षेत्र में। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं एक ये दुकान। इस दुकान में लहलहाते हुए ये टिकट और कागज के टुकड़े। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी खबर है या फिर ये क्या मामला है इस विषय का। तो आज हम आपको एक ऐसी चीज पे आपकी नजर डालना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ किस तरह की ठगी हो रही, किस तरह से आपको एक लॉटरी के नाम पे आपको ठगा जा रहा है। और ये पूरा कारोबार स्थानीय पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पे बड़े ही धड़ल्ले से चल रहा है। तो आइए आपको इस विषय पे हम रोशनी डालते हैं और आपको बताते हैं ये व्यवसाय किस प्रकार चलता है और ये किस प्रकार से चलाया जा रहा है। तो आपको बता देते हैं, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये लॉटरी के जो पर्चे हैं जो हवे में उड़ रहे हैं और काफी मात्रा में रखे हुए हैं। तरह तरह की कंपनियों के नाम पे ये स्टिकर बनाए गए हैं। और ये आपको बता देते हैं कि स्टिकर जो बनाए गए किसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही इसके कहीं रजिस्ट्रेशन की कोई प्रामाणिकता या प्रमाण कहीं मिले हैं अभी तक हमारी जांच में। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो स्टिकर हैं इसकी कीमत 5 रुपए से शुरू होकर 500 रुपए तक भी है। तो आपको बताते हैं ये कैसा ये गोरख धंधा किस प्रकार से फल फूल रहा है और ये किस प्रकार से किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं जो टिकट है, इस टिकट का पहली बात तो किसी तरह का कोई भी प्रामाणिक तौर पे इसकी जांच अगर आप करते हैं तो कहीं भी इसका कोई रजिस्ट्रेशन या फिर कहीं भी कोई भी तरह से कि इसकी जो मान लिया जाए कि इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह या फिर किसी भी तरह की कोई जानकारी या किसी भी तरह के वैध प्रमाण आपको नहीं मिल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो टिकट आपको लिख दिया जाता है ये एक रैकेट के तौर पे इसकी कहीं पे छपाई की जाती है और उस पर स्क्रैच किया जाता है। और ये जब ये मार्केट में जब आता है तो ये लॉटरी के जो दुकानें होती हैं, जो जैसे कि राजस्थानी लॉटरी वगैरह, राष्ट्रीय जो लीगल तौर पे लॉटरियाँ चलाई जाती हैं, उनकी आड़ में ये इस तरह के ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से स्टिकर वाले जो एक काला कारोबार उभर कर सामने आता है। तो अभी जो काला कारोबार हो रहा है ये जो स्टिकर है इस स्टिकर को स्केच किया जाता है। और यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं बोर्ड दिख रहा है आपको, वहाँ पे कई प्रकार के नंबर्स लगाए गए हैं और वो नंबर से इस जो स्टिकर है उसको स्क्रैच करके वो नंबर ढूंढना होता है। तो आपको उस पर लिखा रहता है कि आपको फलाना इनाम मिलेगा, फलाना पैसा मिलने वाला है, फलाना जो भी कुछ है, मगर किंतु ऐसा कोई भी चीज़ होता नहीं है क्योंकि ये पूरी की पूरी लॉटरी की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से फर्जी और अवैध तरह से चलाई जाती है। चलिए आपको इस विषय पे एक थोड़ी सी जो हमने पड़ताल की है इस विषय पे हम आपको रोशनी डालेंगे। तो आपको कुछ आज हमारे द्वारा किए गए कार्य हम आपको बताते हैं। आज पालघर कंट्रोल रूम में इस विषय पर कॉल किया गया था और उन्हें पूरी जानकारी दी गई और उन्हें बताया गया कि आप हमारा नाम और नंबर गुप्त रखते हुए इसकी जांच कीजिए और इस पर कार्रवाई करवाइए। तो इस विषय पर उन्होंने हमें नालासोपारा पश्चिम का फ़ोन नंबर दिया और जिस पर भी हमने ये चीज़ें जो पालघर कंट्रोल रूम में कही वही चीज़ें हमने उनको भी कहा। तो उन्होंने कहा जरूर हम कार्रवाई करेंगे और उन्होंने क्या कार्रवाई की अभी तक उन्होंने हमें प्रत्यक्ष रूप से फ़ोन करके हमें बताया नहीं, परंतु फिर भी इसकी जांच हमने वापस से उनको फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी ने उस दुकान वाले को टिप दे दिया कि हम लोग आने वाले हैं और उसने अपना कारोबार बंद कर दिया। तो मामला यहाँ पे ये होता है कि टिप देने वाला कौन होगा व्यक्ति, जबकि दो व्यक्ति को ही बताया गया था, ये पालघर कंट्रोल रूम को और एक नालासोपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन को इस मामले में जानकारी दी गई थी। या तो उस सिपाही को जो नालासोपारा पुलिस स्टेशन से वो सिपाही उनके लॉटरी की दुकान पे गया था उसे पता होगा। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ मिस्टेक हो रही है सब। तो खैर बने रहिए आप हमारे संग लोकल खबरें के संग, और भी इस विषय पर आने वाले समय में और भी चीज़ें आपको लेके आएंगे क्या है मामला और कैसे किस तरह से आप लोगों के साथ इस ठगी का व्यवसाय फल फूल रहा है। तो पुलिस प्रशासन से यही हम चाहते हैं
यही मांग रहेगी कि संपूर्ण वसई तालुका में जितने भी लॉटरी के दुकानें हैं सबकी जांच की जाए और ऐसे जो गोरख धंधे चल रहे हैं उन पर कम से कम अंकुश तो लगाया ही जाए। बने रहिए लोकल खबरें के संग, और भी खबरें हम लेके आएंगे इस तरह के। जय हिंद, जय भारत।